नमस्कार दोस्तों, आपके मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज बहुत ही खास चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, जो है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष नॉर्मली आपने देखा होगा इजीली, बट ये रुद्राक्ष का फल है। जो असली रुद्राक्ष है वो असल में एक फल है, फल का जो बीज है उसके अंदर निकलता है रुद्राक्ष। तो जैसे बेर की गुठली होती है, ऐसे इसी फल की गुठली होती है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के बहुत सारे रूप होते हैं। रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रतिरूप माना जाता है, और पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि माता सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव रोने लगे थे, तो उनके आंसू जहाँ जहाँ गिरे थे वहाँ वहाँ पर रुद्राक्ष के पेड़ पाए जाते हैं। ये रुद्राक्ष का पेड़ जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो नेपाल में पाया जाता है, काठमांडू एरिया में। बहुत ही अच्छा भाग्य भाभी जी आपका, मुझे समझ में आ गया है क्या, लेकिन हम दिखाएंगे 2 मिनट में क्लियर कर लें इसको। भाभी जी आपके घर में देसी घी होगा, 2 चम्मच देसी घी ले लीजिएगा। इसको 2 दिन घी में पड़ा रहने दीजिएगा, ये ड्राई गर्भ से निकला है। इसको जितना घी पीना है उतना पी लेगा। उसको उसको 2 दिन के बाद निकाल के पुराने अखबार पर रख के रगड़ दीजिएगा। गंगा जल दूध का स्नान कराए उसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा। अगर सावन में पहनिएगा तो किसी भी दिन धारण कर लीजिएगा, सावन के बाद पहनिएगा तो सिर्फ सोमवार। और अपन सिर्फ पूजा स्थान पर रखना चाहें, चलेगा नहीं दौड़ेगा ना, धारण ना करें। हाँ, देखिए ये आपका निकला है शिव परिवार। अच्छा। पंचमुखी, पंचमुखी का मतलब होता है भगवान शंकर माँ पार्वती गणेश कार्तिक के नाम। जिस तरह से बहन शिव परिवार सलामत है, इस तरह से आपका परिवार सलामत रहेगा। ये इंडिकेशन महाकाल जी। बहन जो 5% डस्ट रह जाएगी वो घी में चली जाएगी, और उस घी को फेंकना नहीं है, उसका चिराग जला देना। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, इस तरह से छील कर ये निकाला जाता है। और ये जो फल है रुद्राक्ष है, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आध्यात्मिक रूप से तो फायदेमंद है ही, साथ ही साथ ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगर इसका आप पानी रोज पीते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर से मुक्ति मिलती है, आपका बीपी ब्लड प्रेशर एक समान रहता है, नॉर्मल रहता है, और काफ़ी सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे आयुर्वेद में। ये अलग अलग है, एकमुखी है, पंचमुखी है, 6 मुखी है, इस तरह 1 से लेके 14 मुखी तक नॉर्मली कॉमनली आपको मिल जाता है, और टोटल जो है 21 मुखी रुद्राक्ष तक आता है। तो 14 से जो 21 तक है वो दुर्लभ है। बस एक चीज़ की पहचान होनी चाहिए कि रुद्राक्ष असली है नकली, तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं। लेकिन असली अगर आपको फल मिल जाता है तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये असली है नकली। तो आपने देखा इसको, थैंक यू सो मच। फिर आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।